हेलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है आपका फेंटासी डिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग आर सर सी टी ट्वेंटी कप की बात करेंगे जो कि मैच होगा गया यहाँ पर किगाली सीसी वर्सेस कच्ची टाइगर्स के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रांड लीग में पिक कर सकते हैं प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार लास्ट में हमारी फेंटासी टीम देख लेते हैं एक बार कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी इसके साथ साथ आपको ऐसे के सीए टी ट्वेंटी की वीडियोज मिल जाएंगे ऐसे सुकन मलेशिया टी ट्वेंटी के वीडियोज मिल जाएंगे ऐसे स्पेन टी टेन के वीडियोज़ मिल जाएंगे तो सारे अच्छे मैच के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथ ही मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनली मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी

ओपनिंग की बात करो तो ऐसे हमजा खान और जकी हसन दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं और दोनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं हमजा खान की बात करो तो 44 135 और 14 रन बाकी तीनों ही मैच के विकेट भी निकाल दिया तो एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है इवन सी कैप्टन की चॉइस रहने वाला है क्योंकि भाई करीबन फिफ्टी लोगों के कैप्टन है और वैसे भी यही प्लेयर सबसे बेस्ट पिक रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए तो ये हमारे कैप्टन रहेंगे जकी हसन एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक अगर यहां से के सी पहले बैटिंग करवाता है तो जक्की हसन को आप लोग ऐसे कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते हो आई थिंक आपको कैप्टन तो हमजा खान को ही रखना चाहिए वाइस कैप्टन पर जक्की हसन को कर सकते हो क्योंकि दोनों के बीच में अच्छी यहाँ से आ... कॉम्बिनेशन अच्छा रह रहा है दोनों के बीच में पार्टनरशिप काफी अच्छी रह रही है तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंस रहेंगे के। कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हो स्टीम वाम्बोज आपको दिखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से पहले दोनों मैच के अंदर कोर्स भी करवाया विकेट लिस् रहे लेकिन लास्ट मैच के अंदर इक्कीस रन भी किए तो एज अ प्लेयर ऐसे वाम्बोज को हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन के जाएंगे क्योंकि और कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं होने वाला बाकी हमद एहसान की बात करें तो हमद एहसान भी ऊपर से गलते यानी कि चौथे नंबर पर खेलने आए गए हैं लास्ट मैच के लिए जहाँ पर उन्होंने छब्बीस रन किए साथ में दो ओवर्स की गेंदबाजी भी की जहाँ पर एक विकेट निकाला इससे भी पहले भी उन्होंने यहाँ से तीन ओवर्स की गेंदबाजी की हुई है तो एज ए प्लेयर ऐसे हम्मद एहसान वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग इन्हीं के साथ जाएंगे यहाँ से कैलविन वटुआ की बात करें तो एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक इवन यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए हम लोग इनको ट्राई कर सकते हो इवन यहाँ से स्मॉल लीग के मेरे वाइस कैप्टन कैलविन वटुआ रहने वाले हैं देखो तो यहाँ से टॉप ऑर्डर में से चारों प्लेयर्स जो मैंने बताया यहाँ से चारों ही प्लेयर्स तो पांच ही प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए वो यहाँ से हमजा खान जकी हसन स्टीम वांबोज, हम्माद, और क्योंकि ये सारे काफ़ी अच्छा दे रहे हैं क्यों? है क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है तब तक के लिए इनकी ज्यादा विकेट्स भी थे पहली दोनों मैच तो इन्होंने आई थिंक एक आठ विकेट से और एक नौ विकेट से जीता हुआ तो है तो ऐसा ही कुछ है कि इनकी विकेट जल्दी गिलते नहीं है तो इसके लिए टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे बाकी कसारी या चार्ली उ, 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 को आप लोग डिफ्रेंस लेवल में ट्राई करोगे लेकिन लास्ट मैच के अंदर दो इन ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर दो विकेट जरूर निकाली तो इस हिसाब से आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो बाकी मोहम्मद नादिर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इवन यहाँ से मेरे स्मॉल लीग के, के वाइस कैप्टन रह सकते हैं इवन ग्रांड लीग वगैरह में भी आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो लेफ्ट आर्म ऑफ ऑफ गेंदबेज है और अगर यहाँ से पहले गेंदबाजी के सी सी करवाती तो इनको मैं डेफिनेटली यहाँ से वाइस कैप्टन करके जाऊँगा इवन यहाँ से ग्रांड लीग की एक आधी टीम के अंदर मैं इनको कैप्टन भी कर सकता हूँ तो एज अ प्लेयर यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेंगे मोहम्मद नादिर आशिफ करूँगा फिर तक तीनों ही मैच के अंदर ओवर्स करवा रहे ठीक ठाक ओवर्स करवा रहे हैं लेकिन विकेट्स नहीं मिल रहे तो इनको स्मॉल लीग में तो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन वो भी कब जब यहाँ से के सी ए पहले फील्डिंग करवाए बाकी आर अली रिस्की यहाँ से मोहम्मद अंजाला और रजा अली तीनों ही रिस्की रहेंगे तो इनको आपको ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है स्टार्टिंग वोश में बात कर तो ऐसे ए करूंगा और ऐसे मोहम्मद नादिर स्टार्ट कर रहे हैं और देतवश में ऐसे आर तेली और मोहम्मद नादिर ने ओवर्स करवाई थी देतवश के अंदर तो आर तेली जो है थोड़ा सा यहाँ से हट के प्लेयर आपके लिए बन सकता है बेंच में से अगर कोई भी खेलता है तो इनकी अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे क्योंकि तो ये सारे प्लेयर्स की ऑल वाल रिकॉर्ड्स अवेलेबल ले है लेकिन टाइम के अभाव के कारण अभी तक मैंने ऐड नहीं किया अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स में आपको मैं यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप वहाँ से जा ज्वाइन कर लेना है कच्छे टाइगर की बात करें तो तीन मैच खेलिए जहाँ से दो मैच हार है एक मैच जीती है ओपनिंग में से ऐसे के दब, आ, के दबाशिया और ऐसे डॉन मुगीसा दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं और इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से डॉन मुगीसा इम्पोर्टेंस आएंगे पहली मैच के अंदर फोर्टी सेवन रन किए थे और ग्यारह सत्रह तो ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं तो इनको आप लोग ट्राई ट्राई कर सकते हैं ऐसे के दबाशिया है कच्छे प्लेयर हैं बैटिंग से अभी तक एक बार इन्होंने फिफ्टी रन का भी स्कोर किया तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो सुलेमान शरीफ़ ने लास्ट मैच में ज्वाइन किया पंद्रह रन भी किए चार ओवर्स की गेंदबाजी भी की एक विकेट भी निकाला आई थिंक हमें इनके साथ जाना चाहिए क्योंकि टॉप में खेलेंगे और चार ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवाएंगे यस जोशी तो यस जोशी के सामने आपको यहाँ पर एक लाल वाला बटन दिखेगा तो यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यस जोशी का नाम आज पहली बार एड हुआ है ड्रीम इलेवन के अंदर तो इनके जो पॉइंट्स दिखाएंगे वो दिखाएंगे जीरो लेकिन आपको बता दो कि पहली मैच के अंदर यश जोशी वन डाउन आए थे जहां पर तो उन्होंने दस रन किया था चार ओवर्स की पूरी गेंदबाजी की थी विकेट नहीं मिला था वो खैर अलग बात है लास्ट मैच की बात कर तो चौथे नंबर पर मैंशन है वहां पर भी उनकी बैटिंग नहीं आई लेकिन चार ओवर्स की पूरी गेंदबाजी की जहां पर एक विकेट मिला तो ये हमारे लिए पंट प्लेयर साबित हो सकता है क्योंकि यहां पर इनका जो पॉइंट है वो जीरो है लेकिन बंदा ऐसे चार ओवर्स पूरी करवा रहा है तो एज अ प्लेयर यहाँ से मैं इनको जरूर पंट प्लेयर के रूप में शामिल करने जाऊंगा तो ये हमको डिफ्रेंसियल वे में और यहाँ से वन साइडेड विनिंग करवाने में हमारी बहुत अच्छी हेल्प करवा सकता है पंकज वेकारिया वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इवन इस टीम से अगर किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो पंकज वेकारिया बेस्ट पिक है कैलविन इराकोजे वेरी इंपॉर्टेंट पिक हर एक मैच करना

इनको हम लोग यहाँ से जरूर लेके जाएंगे क्योंकि डेथ ऑर्स में कंटिन्यूसली ओवर्स करवा रहे हैं इवन स्टार्टिंग में भी कल्पेश भंडारी आएगा तो इनका स्ट्राइकर बॉलर है मेन बॉलर है तो ये तो हमारी टीम के अंदर डेफिनेटली रहना चाहिए बाकी बात करें से प्रतीक वोरा थोड़े से रिस्की रहेंगे क्योंकि ओवर्स वगैरह करवाते नहीं है बैटिंग से काफ़ी नीचे आते हैं तो काफ़ी रिस्की रहेंगे से दिलीप फकरिया को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे गोपाल हलाई लास्ट मैच के अंदर खेले जहाँ पर जीरो पे आउट हो गए और वैसे भी इनके ओवरऑल भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है तो ऐसे इनको बहुत ज़्यादा रिस्की अभी ट्राई करना है स्टार्टिंग में यहाँ से के भंडारी और एस शरीफ स्टार्ट करेंगे देथ वो में ऐसे भंडारी एस शरीफ तो दोनों ही स्टार्ट भी कर रहे हैं में भी डाल रहे तो ऐसे एस शरीफ के ऊपर नजर रखनी है बेंच में से अगर कोई भी खेलता है तो आ, इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएंगे यहाँ पर एक डॉट आपको ये मिलेगा अगर ये बंदा खेलता है तो सीधा हमारा वन साइडेड विन होने वाला है वन साइडेड हम लोग जीतने वाले हैं क्योंकि इनके भी पॉइंट जीम इलेवन पर जीरो है कितना है जीरो जहां पर रिसेंटली जितने भी मैच हुए ना वहाँ पर उनके जो पॉइंट्स दिख रहा है वो दिखा रहा है जीरो लेकिन आपको बता दो वो पहली मैच खेला था जहाँ पर चार ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए चार विकेट निकाली थी और दूसरी मैच खेला था जहाँ पर उसने खेलते हुए बैटिंग करते हुए साठ रन किए थे इवन चार ओवर्स तो पूरी करवाई थी हालांकि विकेट लेस रहा था लेकिन अगर ये बंदा खेलता है तो बैटिंग से बॉलिंग से दोनों हिस्से एडवांटेज दे सकता है जबरदस्त प्लेयर है तो ये हमें वन साइडेड विनिंग करवा सकता है तो बस आप लोग कुछ जंतर मंतर कर दीजिएगा कि आज ये प्लेयर खेलता हुआ नजर आए ऐसे चिंतन कराए तो ये हमको वन साइडेड विनिंग करवा सकता है तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है कौन से प्लेयर को लेके जाना है कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ऐसे नन अदर चॉइस या से एस वाम्बोज हमारी टीम के अंदर रहेंगे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है किसी प्लेयर के ऊपर बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं ऐसे जक्की हसन के दबाशिया और यहाँ से मैंने लिया है यस जोशी को सिलेक्शन सिर्फ जीरो परसेंटेज जीरो पॉइंट बासठ परसेंटेज पॉइंट यहाँ पर जीरो आपको बताया मैंने आपको पहले बताया दिया तो और कोई डाटा ज्यादा डिटेल में बात करूँगा नहीं कि इसको पीछे इसको लेने के पीछे क्या कारण है मैंने ऐसे रिस्क लिया है मुगीशा के ऊपर क्योंकि बैटिंग अच्छी खासी करवा लेते हैं लेकिन मैं यहाँ से यस जोशी के साथ जाऊंगा ऑलराउंडर सेक्शन में भी एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है अभी के लिए मैंने ऐसे पी वकारिया एच खान और ऐसे सी वटुआ को मैंने लिए मैं यहाँ से इराक ओजे को ड्रॉप करके जा रहा हूँ जिनका सिलेक्शन करीब अस्सी परसेंटेज सिलेक्शन है तो इसके लिए मैं यहाँ से फिर भी इनको मैं रिस्क जिसके तौर पर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं यहाँ से ले रहा हूँ एस शरीफ को सुलेमान शरीफ जिनके भी पॉइंट्स क्या है जीरो पॉइंट और सिलेक्शन क्या है जीरो पॉइंट फिफ्टी टू परसेंटेज लेकिन आपको बता दो कि बंदे ने वन डाउन खेला जहाँ पर पंद्रह रन किए तीन के चार ओवर की पूरी गेंदबाजी की जहाँ पर एक विकेट भी निकाला बैटिंग से भी ऊपर आ रहा है और चार ओवर्स पूरी करवा रहा है अच्छे खासे पॉइंट्स देने की संभावना है तो इसके लिए मैंने इनको लिया है बैटिंग सेक्शन बॉलिंग सेक्शन में ऐसे मोहम्मद नादिर के चार्ली और ऐसे क्या, के भंडारी हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी किसी प्लेयर के ऊपर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है बाकी अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस तरह से रह सकती है एच खान मेरे आपके और हम सबके जाने के जितने भी आपको हेड टू हेड मिलेंगे सबके कैप्टन एच खान रहेंगे वाइस कैप्टन मेरे यहाँ से मोहम्मद नादिर रहने वाले हैं और आप अगर शेप जाना चाहो तो सी वटुआ को आप लोग वाइस कैप्टन कर सकते हो रिस्क लेना चाहो तो फिर ऐसे जकी हसन है जो कि पहली बैटिंग अगर के सी आती है तभी उनको वाइस कैप्टन कर सकते हो या फिर ऐसे के भंडारी एक अच्छा ऑप्शन है शरीफ के ऊपर रिस्क ले सकते हो वन डाउन खेला चार चार्ज पूरी करवाए तो इसके ऊपर भी रिस्क ले सकते हो बाकी अभी के लिए टीम इस तरह से रहेगी याद रहे कि डेमो टीम में फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअ के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत मिलेगा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया इनके अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है फेंटासी डिसन चैलेंजर या फिर आपको सर्च करना है एट एफ डी सी और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत आएगा क्योंकि आगे आने वाले अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो अच्छा एनालिसिस करते रहो अच्छी टीम बनाते रहो अच्छी विनिंग करते रहो तब तक के लिए बाय धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत